लीला पूनावाला फाउंडेशन की ओर से नागपुर के अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप अवार्ड फंक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से अधिक युवतियों का समावेश था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल साजिद जे अनवर, पूनावाला फाउंडेशन की अध्यक्षा मिस लीला पूनावाला व आदि मान्यवर कार्यक्रम में उपस्थित थे। वैसे तो लीला पूनावाला फाउंडेशन की स्थापना 1996 में पुणे में हुई। तब से लेकर इस फाउंडेशन ने कई सामाजिक उपक्रम किए हैं। फाउंडेशन की अध्यक्षा मिस लीला पूनावाला को पद्मश्री पुरस्कार समेत कई अवार्ड से नवाजा गया है। पेश है द आईएनएस न्यूज चैनल के लिए नागपुर से सदानंद काले की रिपोर्ट। मैं लीला पूनावाला हूँ और वो कैसे शुरू करी वो तो अभी मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली वो मन में था कि नहीं, कि मैं जब छोटी थी मैं यहाँ एक रेफ्यूजी करके आई हिंदुस्तान में। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, जब पार्टीशन हुआ तो हम रेफ्यूजी करके आए इधर। तो मेरे को एजुकेशन करने के लिए मेरे माँ को बहुत तकलीफ हुई, बाप नहीं था, बाप मर गया था वो सब लफड़े में, तो एजुकेशन करने के लिए बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी और मेरी माँ ने देखा कि अगर घर में आदमी नहीं है तो कितनी तकलीफ होती है बच्चे बड़े करने को। 5 बच्चे थे हम, तो मम्मी को बहुत तकलीफ हुई पापड़ बनाने की, पिकल्स बनाने की, अचार बनाने की। तो उसने बोला लीला तू तो पढ़ाई करनी ही मांगती है, तो कैसे तो भी करके मदद लेके सबसे लेके मेरे को कॉलेज तक लाया उसने। कॉलेज के आगे मुझे इंजीनियरिंग करना था, तो इंजीनियरिंग के लिए वो टाइम 16,000 था फी, लेकिन वो भी नहीं था। तो मेरी ग्रैंड मदर थी ना, उनके फ्रेंड्स ने थोड़ा पैसा दिया, ऐसा करके इधर से उधर से लेके मेरे माँ ने मेरे को इंजीनियर बनाया। मैं इंजीनियर बनी, मेरा प्रोग्रेस हुआ, मेरे को अच्छी नौकरी मिली, मैं आगे बढ़ी, मेहनत की, काम किया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। तो मुझे लगता है वो मेरे बैकग्राउंड में रहेगा कि कभी मैं अच्छी तरह से कमाने लगी, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, साफ कमा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं कुछ तो करूँ लड़कियों के लिए। उस वो मुद्दा रख के मेरे को लगता है वो मेरे मन में रहेगा कि मैंने शुरू किया। मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी लेकिन पैसे नहीं थे, इसके लिए मैंने पहले शुरुआत की पोस्ट ग्रेजुएशन। आज जो यूजी ये बरस हमने यहाँ खाली नागपुर में अमरावती वर्धन नागपुर और खाली डिप्लोमा टू इंजीनियरिंग वो खाली पिकअप किए हैं। टोटली 71 गर्ल्स हमें हैं। लास्ट ईयर तक हमने यही डिस्ट्रिक्ट में 4 बरस से हम दे रहे हैं स्कॉलरशिप। कम से कम अब तक 1500 लड़कियों के दिए हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट में, और पुणे में तो हमको 23 बरस हो गए शुरू करके। टोटल मिला के क्लोज टू 9,000 गर्ल्स हो गई, हमारे 19 स्कूल्स हैं इसके साथ भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो स्लोली आगे बढ़ गए हैं क्योंकि हमें पार्टनर्स जास्ती मिल गए। जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो दुनिया देखती है, तो जिसका मन लगता है अच्छा काम करने के लिए उनको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। तो आप ही लोग अभी हमारे पास आते हैं कि हम भी थोड़ा ज्वाइन करना होते, भले 10 लड़कियाँ दें, 5 लड़कियाँ दें, लेकिन ऐसे कर करके जमा होते हैं। अभी ये बरस पुणे में हमने 700 लड़कियों को खाली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिए हैं और 300 लड़कियों को स्कूल के दिए, तो टोटली 1,001 लड़कियों को हमने पुणे में दिए। और ये अभी इधर आके इधर जास्ती देने वाले थे लेकिन हम जरा फंड्स कलेक्ट नहीं कर सके। नेक्स्ट ईयर हम वापस शुरू करेंगे फुल स्विंग। हाँ, फुल स्विंग जैसा हमने 4 बरस किया है ना, हर बरस हम लोग 300-350 लड़कियों को देते थे यहाँ, तो उतना वापस हम शुरू करेंगे।